हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। टेबल डिज़ाइन करना और टेबल पे लेआउट सेट करना, ठीक है। आज हम इससे आगे वाला जो आपका इलस्ट्रेशन का ग्रुप है इंसर्ट टाइप में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन में देखिए आपको बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं इंसर्ट टैब में हम कोई भी एडिशनल पार्ट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी वही ऑप्शंस है, चाहे आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, आइकन्स या 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट चार्ट एंड स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये एडिशनल पार्ट भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये वर्ड 2019 एमएस वर्ड 2019 के फीचर्स हैं। इससे पहले के अगर आपके पास एमएस वर्ड 2000s के एमएस वर्ड की जो सीरीज़ है उसमें आपको इनसे हो सकता है कम ऑप्शंस मिले, बट आपको पिक्चर वहाँ मिल जाएगा, शेप्स मिल जाएगा, स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे, चार्ट मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे एडिशनल आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप उस पर भी जो आपके पास प्रीवियस वर्जन अवेलेबल है आप उन पर भी इनका यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास दिए गए, और यहाँ पर दिए गए एडिशनल आइकन्स का भी आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन का। सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं हम अपन यहाँ पे पिक्चर। आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप जानते हैं एक पिक्चर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है आपका केवल एक टेक्स्ट से। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे पिक्चर पे, ठीक है। जैसे ही पिक्चर पे जाएंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है। एक तो दे रहा है आपको दिस डिवाइस, यानी इस जो भी सिस्टम है इसके अंदर अगर कोई पिक्चर सेव है पहले से आप उस पिक्चर का यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोई पिक्चर्स का यूज़ करना चाहते हैं। ऑनलाइन अगर आप कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आपके पास नेट होना चाहिए ना, नेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन पिक्चर अपने कंप्यूटर सिस्टम के इस वर्ड एप्लीकेशन में यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं दिस डिवाइस का, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए आपके पास आपका इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब आपको क्या करना है, अपनी वो पिक्चर सर्च करनी है कि आपकी वो पिक्चर कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आपकी कहीं पे भी हो सकती है, आपके यहाँ पे हो सकती है, किस जिस भी फोल्डर में आपकी पिक्चर है आपको क्या करना है, वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ मेरे कौन से डिवाइस में पिक्चर्स हैं, ठीक है। कैप्चर्स में जाते हैं, मेरे पास वहाँ पर अभी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से मान लीजिए मैं एक ये स्क्रीनशॉट्स है इनका यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैं क्लिक करके इंसर्ट करूँगी, ठीक है, तो वो इमेज क्या हो जाएगी, मेरे इस वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप भी क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर के साथ साथ मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दिया है ताकि आगे के आपको जो ऑप्शंस है वो इजीली समझ में आ जाए। सर पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर आती है, ठीक है, तो आपके पास एक न्यू टैब आ जाता है फॉर्मेट का टैब, ठीक है। जैसे आपने टेबल पे फॉर्मेट टैब के ऑप्शंस को यूज़ करना सीखा था कि आप टेबल को किस तरह चेंजेस कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह एक पिक्चर के लिए भी आपके पास फॉर्मेट टैब का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ होता है। फॉर्मेट टैब पे जैसी पिक्चर सेलेक्ट होगी तभी आपका ये ऑप्शन एक्टिव होएगा, अदरवाइज कहीं और अगर आपका कर्सर रहेगा तो आपको फॉर्मेट टैब नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी पिक्चर सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेलेक्ट पिक्चर के जस्ट बाद में आपको फॉर्मेट का टैब दिख जाएगा। फॉर्मेट का टैब आपको दे रहा है यहाँ पे पिक्चर पर एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। ये कोई इमेज थी मेरी जो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली थी। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर स्टाइल की बात कर लेते हैं ताकि आपको और ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाए। पिक्चर स्टाइल पर देखिए यहाँ पर आप अगर इसकी मैन्यूअल को ड्रॉप डाउन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर पे बहुत सारे फ्रेम्स ऐड करने के लिए, स्टाइल देने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्टाइल सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल सेट करने के बाद जस्ट पास में आपको ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर बॉर्डर का, ठीक है। बॉर्डर अभी आपको ब्लैक कलर में दिख रही है, आप कोई और कलर यहाँ पर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर करवा सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर बॉर्डर, पिक्चर की बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रहा है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर पे मान लीजिए आपको कोई इफेक्ट देने हैं, आपको इस तरह से स्टाइल देनी है आपकी। देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक करती जा रही हूँ, अपने पॉइंटर को चेंज कर रही हूँ, पिक्चर पे इफेक्ट क्या हो रहे हैं आपके, चेंज होते जा रहे हैं। आप ग्लो देना चाहते हैं, शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं अपनी इमेज का, तो वो भी क्या कर सकते हैं आप यहाँ से, जिस पर भी क्लिक करेंगे वो आपके पिक्चर पर क्या हो जाएंगे, अप्लाई
हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं ताकि आपको इसकी इफेक्ट इजीली विजिबल हो जाए। ठीक है, ग्लो देना है आपको इस तरह से, तो आप ग्लो भी अपने पिक्चर्स पे दे सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ही मान लीजिए अप्लाई करा तो देखिए इस तरह से आपको ग्लो दिख रहा है आपकी इमेज के चारों तरफ। ठीक है, यानी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर पे इफेक्ट यहाँ से जो भी देना चाहते हैं वो आप सिंपल वे में क्लिक करेंगे, वो आपके पिक्चर पे इफेक्ट हो जाएगा। 3D रोटेशन आप करवाना चाहते हैं अपनी इमेज का, तो वो भी आप यहाँ से इनकी हेल्प के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या दे सकते हैं, अपनी इमेज पर एक इफेक्ट दे सकते हैं। पिक्चर का लेआउट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको लेआउट में और भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप जिस भी लेआउट में अपनी इमेज को रखना चाहते हैं आप उस लेआउट पे क्लिक करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर देखिए बैकग्राउंड में चेंज होती जा रही है। जो भी आपको लेआउट रखना है आप अपना चाहते हुए यहाँ से उसका लेआउट चेंज कर देंगे, उसी अकॉर्डिंग आपका ये पिक्चर क्या हो जाएगी, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं रखना तो आप अपना नॉर्मल भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ के आपको पिक्चर स्टाइल्स के ऑप्शन समझ में आ गए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एडजस्ट वाले ग्रुप का। एडजस्ट में सबसे पहले आपके पास आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको इस पिक्चर का कुछ एरिया आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो आप रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास एक न्यू ऑप्शन आ जाएंगे, एक रिफाइन का और एक क्लोज का। रिफाइन में देखिए एक तो आ रहा है मार्क एरिया टू कीप, यानी ऐसा एरिया मार्क करना जो कि आप रखना चाहते हैं। मार्क एरिया टू रिमूव, यानी ऐसा एरिया मार्क करना जो कि आप रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप, यानी जो एरिया आप अपने इस पिक्चर में रखना चाहते हैं उसे रखने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे क्लिक करा मैंने, देखिए यहाँ पे पेंसिल का सा पेन का सा मेरा सिंबल आ गया है। अब मुझे जो भी एरिया मेरे इस इमेज का रखना है मैं क्या करूँगी, उसे मार्क करूँगी। देखिए मैंने यहाँ से मान लीजिए मुझे इतना पार्ट रखना है, ठीक है, और मान लीजिए मुझे इतना पार्ट भी रखना है, तो मैंने क्या करा यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर मैंने जो भी चेंजेस करें, जो एरिया मुझे रखना है अपने इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं ये ऑप्शन जो मैंने अप्लाई करे हैं, यानी जो एरिया मैंने मार्क करा है केवल उतना ही अपने उस इमेज का रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कीप चेंजेस का यूज़ करूँगी कि जो मैंने यहाँ पे चेंजेस करे उन्हें अप्लाई करवा दे। अगर मैं ये चेंजेस अप्लाई नहीं करवाना चाहती तो मैं डिस्कार्ड ऑल चेंजेस का यूज़ करूँगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, जैसा है वैसा का वैसा रहने दे। तो यहाँ पे करके देखते हैं अपन कीप चेंजेस। जैसे कीप चेंजेस करे देखिए आपकी इमेज चेंज होगी। मैंने जितना एरिया मार्क करा था ये तो बाय डिफॉल्ट दिया ही था इन्होंने मुझे, और बाकी मैंने जितना एरिया मार्क करा था केवल उतना एरिया ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने इमेज का बैकग्राउंड जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना रखिए, जितना नहीं रखना चाहते उतना आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका करेक्शंस। देखिए कुछ और इसमें ना आपको सॉफ्ट स्टाइल्स दे रखी है आपकी इमेज पे, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ना देखिए आपकी इमेज का कलर या इफेक्ट उस तरीके से जो भी यहाँ पे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, जैसे मैंने यहाँ पे करेक्शंस में जाके इन ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करा उसी अकॉर्डिंग मेरी इमेज पे इफेक्ट शो हो गया। ठीक है, ब्राइटनेस कर दिया मैंने यहाँ पे, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। कलर आप चेंज करना चाहते हैं आपके इस पिक्चर इफेक्ट में, यहाँ पे आपको कुछ कलर्स के ऑप्शन दे रखे हैं, कलर टोन दे रखे हैं, रीकलर दे रखे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन कलर्स का भी आपकी इमेज पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट करी और उसे अप्लाई कर लिया। देन आ रहा है आपका आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, और भी ज़्यादा अगर आप इस पर इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे ग्लास का यूज़ करना चाहते हैं आप, है ना, देखिए इमेज आपको डिफरेंट अभी इस तरह से विजिबल है आपके लिए। ठीक है, अगर इस पर देखिए ग्लास का इफेक्ट करते हैं यहाँ से, है ना, या तो इस तरह से करके देखते हैं, ठीक है, इमेज की विजिबिलिटी चेंज हो गई यहाँ पे, या फिर अभी देखिए ग्लास का यूज़ करते हैं, तो कुछ एडवांस यहाँ पे आपकी इमेज पे इफेक्ट देने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं वर्ड 2019 में, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आ रहा है आपका यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर्स। अब ये देखिए जो इमेज है इसकी कोई ना कोई साइज़ तो होगी, साइज़ आप जानते हैं बिट्स में अपन लेते हैं, बाइट में लेते हैं, है ना, तो वो आपकी साइज़ होती है। तो ये इमेज की साइज़ मान लीजिए ज़्यादा है ना, आप जब प्रिंट ले रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट की साइज़ भी बढ़ रही है इमेज के कारण, तो आपकी इस इमेज की साइज़ ज़्यादा है, आप इसे कम करना चाहते हैं, इसकी साइज़ को कंप्रेस करना चाहते हैं, इसकी इस बॉर्डर वाली साइज़ को नहीं, इसकी जो एक्चुअल बिट्स में बाइट्स में जो साइज़ है उसको कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कंप्रेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई ऑन दिस पिक्चर,
ठीक है। तो आपकी जो जिस भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। ईमेल के अकॉर्डिंग रखना है, अगर आपको इस पिक्चर को 96 ppi में हो जाएगी आपकी साइज, या फिर आप वेब के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से पिक्चर की साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसकी साइज चेंज हो जाएगी। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन मिल रहा है चेंज पिक्चर। ठीक है, आप इस इमेज की जगह कोई दूसरी इमेज रखना चाहते हैं तो आप चेंज पिक्चर का यूज भी कर सकते हैं। अब वो पिक्चर आपकी कोई फाइल है उसमें से ले सकते हैं, आपके ब्राउजर में ब्राउज करके आपके कंप्यूटर में से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन सोर्सेज का यूज भी कर सकते हैं, फ्रॉम आइकन्स एंड फ्रॉम क्लिपबोर्ड्स के थ्रू भी आप ले सकते हैं। क्लिपबोर्ड और आइकन्स अभी आपको आगे ऑप्शंस में शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन में यह है, जैसे आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन कोई भी इमेज अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेज में जाएंगे, इस तरह से आपको एक विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे जिस भी टाइप की आपको इमेज चाहिए, मान लीजिए आपको होम से रिलेटेड कोई इमेज चाहिए, ठीक है, तो आप ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको कुछ सेकेंड्स में होम की इमेज आपको शो करवा देगा। आप उसे सेलेक्ट करेंगे जिसे भी ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी ऑनलाइन कोई इमेज आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑनलाइन इमेज भी अपने कंप्यूटर में आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड इमेज नहीं होती, तो आप इस तरह ऑनलाइन भी अपनी इमेजेस सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे से नीचे आपको आ रहा है रीसेट पिक्चर। ठीक है, रीसेट पिक्चर में भी आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो रीसेट पिक्चर और एक आपको रीसेट पिक्चर एंड साइज। मान लीजिए आपने ये सारी एडिटिंग करी और पिक्चर की साइज आपने चेंज करी, ठीक है, तो वो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने से देखिए, मैंने अभी जो बॉर्डर अप्लाई कर रखी थी थोड़ी देर पहले, इस तरह से मेरी बॉर्डर थी, है ना, मैंने यहाँ से इफेक्ट दिए थे, तो वो इफेक्ट जैसे मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूँगी तो वो सब क्या हो जाएंगे, सारे चेंजेस हो जाएंगे। एक नॉर्मल जो इमेज थी उस तरह से आपको इमेज शो होने लग जाएंगे, सारे स्टाइल्स और सारे इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे पिक्चर पे से रिमूव हो जाएंगे। एक बार और करके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, रीसेट पिक्चर का मान लीजिए मैंने इस तरह से स्टाइल दे दी ये वाला, ठीक है, इस तरह से दे दिया, बट मुझे रीसेट करना है, जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँगी नॉर्मल मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे समझ लगता है आपको ये दो ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ऑल्ट टेक्स्ट, है ना, डिस्प्ले दी ऑल्ट टेक्स्ट पेन। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको राइट हैंड साइड पर एक पेन मिल जाता है कि आप अपने पिक्चर से रिलेटेड कोई भी जो भी रीड इसको देखने वाले होंगे उनको आप कोई टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो उन्हें ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड राइट हैंड साइड के पेन में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो डेकोरेटिव स्टाइल्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव स्टाइल्स क्या लेगा, ये आपका कंटेंट्स खुद ही आपको सर्च करके दे देता है। ठीक है, बट अभी इंटरनेट कनेक्शन के कारण ये आपको शो नहीं करवा रहा। ठीक है, क्लोज करते हैं, इस तरह से आप पिक्चर के लिए एक टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका पोजिशन। पोजीशन में जैसे आप मान लीजिए, देखिए अभी आपका टेक्स्ट बॉटम में और आपकी इमेज की जो पोजीशन है, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक टेबल को आप नाइन टाइप से पोजीशन दे सकते थे, उसी तरह आप एक इमेज को भी पोजीशन दे सकते हैं। अभी ये आपकी कहाँ पे है, पेज के टॉप में लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ से पोजीशन सेट करेंगे। ठीक है, आप टेक्स्ट रैपिंग वाले इस पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट में, राइट में, मिड के लेफ्ट में, मिड के सेंटर में, मिड के राइट में, बॉटम के लेफ्ट में। ठीक है, एक बार जूम इन और कर देते हैं, बॉटम में करना चाहते हैं, तो जहाँ भी आप अपनी पिक्चर रखवाना चाहते हैं, प्लेस करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से उसके लिए पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको एक बार जूम आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका रैप टेक्स्ट। देखिए, रैप टेक्स्ट का ये होता है कि जो आपकी इमेज है, ठीक है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग किस किस तरह से अरेंज हो जाए। इनलाइन करने पर क्या होगा, जो भी आपकी इमेज है उसके टॉप में और बॉटम से आपकी ये लाइंस इस तरह से आपको शो हो जाएगी। स्क्वायर फॉर्मेट में अगर आप क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आपके पिक्चर के चारों तरफ अराउंड में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, टाइट करना चाहते हैं, जो भी स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको कवर करके ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर अरेंज हो जाता है। तो इस तरह से क्या, यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं, थ्रू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम्स में, बिहाइंड करना चाहते हैं ना, यानी आपकी इमेज क्या हो जाए, टेक्स्ट के पीछे हो जाए, यहाँ पे आपको दिख भी रही है,
या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे आपकी इमेज हो जाए, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप अपनी इमेज के लिए रैप टेक्स्ट का यूज भी कर सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो आपके टेक्स्ट के पैराग्राफ के बॉटम में रहे, कहाँ पे रहे। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं अपनी इमेज के लिए सेटिंग्स यहाँ से रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूव विथ टेक्स्ट, अलाउ योर ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन द पेज एज टेक्स्ट इन एडिट और डिलीट। ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे तो आप अपनी इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग इस तरह से मूव करके भी अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन फिक्स पोजिशन ऑन पेज, आप जो भी है इसकी एक फिक्स पोजिशन देने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रैप टेक्स्ट का ये आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल लेते हैं, ठीक है, उसी तरह एक ऑप्शन आपको यहाँ पे भी लेआउट के लिए मिल जाएगा। जैसे आपने वहाँ पे देखा उसी तरह यहाँ पे भी आपको अपनी इमेज पे टेक्स्ट रैपिंग के लिए मिल जाएगा। फिक्स पोजिशन कर रखा है इसलिए यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर आता है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड में ये होता है कि जैसे ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको टेक्स्ट पे जब आप स्मार्ट आर्ट लेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें अभी केवल ये देख लेते हैं, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के आगे आपका जो भी ये इमेज है वो शो हो जाए। ठीक है, सेंड बैकवर्ड भी आपको अभी अच्छे समझ में नहीं आएगा, ये आपको शेप्स पे बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, बट सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये भी आपको शेप्स पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। इमेजेस के लिए अभी अपन को दो इमेजेस लेनी पड़ेगी बट मैं आपको शेप को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपन वर्क करते हैं। देखिए फिक्स करा था तो यहाँ पे आपको फिक्स में ये हमेशा यहीं पे विजिबल रहेगा। ठीक है, इसकी साइज यहाँ पे फिक्स कर दी इन्होंने। नेक्स्ट सेलेक्शन पेन, ये सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का आपको स्मार्ट आर्ट पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं उस पर इन ऑप्शंस को आपको क्लियर करवा दूंगी। अभी तो जो ऑप्शंस आपको बता रही हूँ आप केवल उन पे अच्छे से वर्क करना सीख लीजिए। सेलेक्शन पेन आ रहा है, सेलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास एक पिक्चर है और टेक्स्ट है ना, तो आप किसका यूज़ करना चाहते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इसको इसने जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास अलाइन। अलाइन देखो जैसे आप एक इमेज को अलाइन कर सकते हो ना, इमेज का मैंने बताया आपको, टेक्स्ट का मैंने बताया, उसी तरह से आप और भी अलाइंस के ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अलाइन इन अलाइन टू मार्जिन, यानी जो मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग अलाइन करवाना, ठीक है, या फिर अलाइन टू पेज, यानी जो आपका पेज है उसके अकॉर्डिंग अलाइन करवाना है ना, तो आप यहाँ पे टॉप में लेफ्ट भी करवा सकते हो। सेंटर देखिए, पेज मार्जिन पेज पे जब कर रखा है आपने अलाइन टू पेज है ना, और अलाइन लेफ्ट करा तो ये देखिए पेज पे एकदम लेफ्ट में चला गया। सेंड राइट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एकदम राइट में चला गया। यहाँ तो अपन ने इसका फिक्स कर रखा था ना, इस कारण आपको यहाँ से एडिशनल पार्ट इसमें शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से अभी मान लीजिए मार्जिन पे करते हैं, अलाइन टू मार्जिन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करा, ठीक है, अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक करा, अब अगर आप लेफ्ट करते हैं तो देखिए मार्जिन में अलाइन हो जाएगा। पेज पे अलाइन करने पर आपको पेज के इधर शो हो रहा था, और मार्जिन में अलाइन करने पर आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है, ना कि मार्जिन की एरिया में। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी मार्जिन का ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ग्रिड लाइन और ये सारा आपको बेसिक आता ही है इनका, ठीक है, इन पे अप्लाई करके देख लीजिएगा, ये ऑप्शंस है आपके इमेज को अलाइन करवाने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास ग्रुप ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, दो इमेजेस होनी चाहिए। आप अगर ये चाहते हैं कि दो इमेजेस पर एक साथ आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, ठीक है, तो आप ग्रुप का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पहले एक ही थी मेरे पास इमेज, अब मैंने यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर ली है अपनी, दो इमेजेस हो गई है। ग्रुप करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले एक साथ सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली बच्चों को ये हो के साथ ये भी इशू रहता है कि वो एक टाइम पे दो इमेजेस सेलेक्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो जैसे दूसरी पे क्लिक करते हैं वो उनका वही क्लिक होता है, पुराना वाला वो क्लिक नहीं होता। तो अगर आप दो इमेजेस एक साथ क्लिक करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके कंट्रोल के साथ उसे क्लिक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी दो इमेजेस एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल को प्रेस करके आप दो इमेजेस का एक साथ सेलेक्ट करके अगर उन पे ग्रुप पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, आपकी
ग्रुप में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और ये भी आपको, अगर आपसे अभी नहीं होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो आपके स्मार्ट आर्ट्स ऑप्शन आएंगे उन पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इमेज पे ये नॉर्मली वर्क नहीं करता है आपका ग्रुप का ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको ये सारे ऑप्शन आपको उस पे वर्क करवाने, किस पर, आपके स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शंस पे, उसमें आपके थ्रू आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे और उस पर ये अप्लाई भी हो जाते हैं। इमेज पे ये नॉर्मली इशू करता है, एक साथ दो इमेजेस को ये सेलेक्ट करने की फैसिलिटी नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे रोटेट, आपकी जो भी इमेज है आप उसे रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री एंगल पे, फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जिस भी वे में आप रोटेट करना चाहते हैं आप यहाँ से अपनी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद में आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रॉप का, ठीक है। क्रॉप के लिए देखिए, मैंने पहले इमेज की स्क्रीन यहाँ पे वाइड कर दी है। क्रॉप आप जानते हैं, आप कोई भी फोटो होती है उसमें एडिशनल पार्ट रिमूव करना चाहते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये इसको इमेज को नहीं करने देगा, आपको इस वाली इमेज को ही करने देगा, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा वाइड करते हैं, क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एक ये क्या है, ऑनलाइन ली हुई है ना, तो इस इमेज को आप क्रॉप नहीं कर सकते, बाकी जो आपकी खुद की एक इमेज थी यहाँ पे उसको ये क्रॉप करने की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉप पे जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको मार्क दिख जाएंगे, आप जितना भी एरिया रिमूव करना चाहते हैं उतना आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, तो एडिशनल पार्ट क्या हो जाएगा आपके उसमें से रिमूव हो जाएगा। आप काफ़ी बार क्रॉप का यूज़ भी करते हैं फोटोज़ लगाने के लिए, फ़ोटोज़ अटैच करने के लिए, ठीक है। तो वही क्रॉप का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी वर्ड में कोई सी भी आपके जो फ़ोटोज़ हैं उन्हें क्रॉप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये एक स्मार्ट आर्ट का यहाँ पे आपका पिक्चर लेके आया था ना, इसलिए आपके इस ऑनलाइन वाले इमेज पर ये आपको क्रॉपिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आप जो भी इसकी साइज है ना वो इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, साइज बढ़ा भी सकते हैं। वेट अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा है इंसर्ट टैब में एक पिक्चर ऐड करना, ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना, और उन पर किस तरह से फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है, उन्हें डिज़ाइन किया जा सकता है, इन ऑप्शंस का हमने यूज़ करना सीखा है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।